मैं वासुदेव गिरी। आज मैं क्लास 10th की साइंस की पहला चैप्टर का जो रासायनिक अभिक्रिया समीकरण की एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताऊंगा, जिस कॉन्सेप्ट के बेस पे आपका पेपर में अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं। तो आपको कॉन्सेप्ट क्या है, अपचायक पदार्थ और ऑक्सीकारक पदार्थ। तो क्या है, इसमें कुछ समीकरण दे के रहेगा और उसमें आपको पूछेगा इसमें से कौन अपचायक पदार्थ है और कौन ऑक्सीकारक पदार्थ है। तो ये कॉन्सेप्ट समझने से पहले आपको क्या जानना पड़ेगा, ये ऑक्सीकारक पदार्थ क्या होता है और अपचायक पदार्थ क्या होता है। तो उसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए CuO plus H2 क्या बनेगा, ये Cu plus H2O। ठीक, अब देखो CuO से Cu बना, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन हटा, तो ये क्या है, रिडक्शन है। इंग्लिश में इसको रिडक्शन कहेंगे और हिंदी में क्या है, अपचयन। ये क्या है, अपचयन। अब देखो H2 के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, मतलब ऑक्सीडेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, ऑक्सीडेशन, हिंदी में उपचयन, उपचयन। ठीक, ये तो जानते ही हैं, हमने बताया भी दिए थे, जिसके जिस तत्व से ऑक्सीजन हट जाना तो उसको अपचयन, और जिसमें ऑक्सीजन जुड़ जाना उसको उपचयन कहते हैं। ठीक, अब देखो CuO को क्या कहते हैं, अपचयन हो रहा है ना, तो CuO को क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब ऑक्सीकारक पदार्थ कौन है, CuO। ठीक, अब H2 से H2O बना, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसको क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। हिंदी में क्या कहलाएगा इसको, अपचायक पदार्थ। H2 को अपचायक पदार्थ कह रहा है, CuO को क्या कह रहा है, ऑक्सीकारक पदार्थ। अब इसकी परिभाषा लिख लीजिए, देखिए परिभाषा मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। पहले ऑक्सीकारक पदार्थ को हम लोग लिखते हैं, लिखिए ऑक्सीकारक वो पदार्थ है, CuO को हमने कह रहा हूँ ना, ऑक्सीकारक वो पदार्थ है जो दूसरे को ऑक्सीकरण होने के लिए सहायता करता है। देखिए CuO हाइड्रोजन को ऑक्सीकरण होने के लिए सहायता किया, H2O बना दिया, तो ये ऑक्सीजन कहाँ से मिला, CO2 से, तो CO2 को ऑक्सीकारक पदार्थ कहते हैं। ऑक्सीकारक वो पदार्थ है जो दूसरे को ऑक्सीकरण होने के लिए सहायता करता है। ठीक है, अब रिड्यूसिंग एजेंट या फिर अपचायक पदार्थ, तो लिखिए अपचायक पदार्थ वो पदार्थ है जो किसी यौगिक में से ऑक्सीजन को हटाने के उत्तरदायित्व है। तो देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे क्या किया, CuO के पास ऑक्सीजन था, यहाँ से ऑक्सीजन को हटा दिया, तो ऑक्सीजन को हटाने का काम कौन कर रहा है, H2। इसीलिए इसी को रिड्यूसिंग एजेंट या फिर अपचायक पदार्थ कहते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, लेकिन इस कॉन्सेप्ट के बेस पे आप ये सारे क्वेश्चन प्रॉपर ढंग से नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए एक नया कॉन्सेप्ट जो आप लोग 11th में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं वो चीज़ बता दूंगा तो आप लोग आसानी से कर लोगे। तो देखिए उसको बताते हैं, वो होता है ऑक्सीडेशन नंबर। क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नंबर। ध्यान से समझिएगा, इंग्लिश में लिख रहा हूँ साथ में हिंदी में भी लिखूंगा। ऑक्सीडेशन नंबर मीन्स ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण संख्या। ठीक, ये क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक कंपाउंड दिया है हमको, क्या है, यौगिक दिया है Fe2O3, और इसमें से हमको पूछ रहा है ये जो आयरन का ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, आयरन का पूछ रहा है हमको, आयरन का पता नहीं है तो आयरन को x मान लेंगे, तो कितने हैं, 2 है तो 2x। ठीक, अब ऑक्सीजन ऋणात्मक होता है कि धनात्मक, ऋण होते हैं, और ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होते हैं, तो इसीलिए -2 लेंगे। ऑक्सीजन को कितना मानेंगे, -2, तो कितने ऑक्सीजन, 3, तो 3 × 2 = -6 = 0 लेंगे। क्यों 0 लेंगे, क्योंकि ये जो यौगिक के ऊपर ना तो प्लस चार्ज है ना तो माइनस चार्ज है, कोई चार्ज नहीं, इसलिए 0। अब देखो 2x = -6 इधर जाएंगे तो +6, x = तब कितना हो जाएगा, 3, तो Fe का ऑक्सीकरण संख्या तब कितना आ गया, +2। समझ में आ गया, ये है ऑक्सीकरण निकालने की तरीका। हाँ, यहाँ पे मान लीजिए Fe ऐसे अकेले रहता तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या कितना होता, 0। कोई भी तत्व जब फ्री स्टेट में, मुक्त अवस्था में रहते हैं, उसकी ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है, 0 होता है। इसको नोट कर लीजिए, जैसे कि देखिए यहाँ पे मुक्त में कौन है, ऑक्सीजन, इसकी भी ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा, 0।
हाइड्रोजन भी मुक्त में है तो इसकी व्यक्तिकरण संख्या कितना होगा? जीरो। कोई तत्व जब मुक्त अवस्था में, जिसे फ्री स्टेट कहते हैं, उस अवस्था में रहेंगे तो उसकी व्यक्तिकरण संख्या कितना माना जाएगा? जीरो। ठीक। अब कंपाउंड के बेस पे रहेंगे तो निकलने की तरीका भी दिखा दिए। ये जब हो गया, इसी के बेस पे थोड़ा सा आपको जान लेना क्या है, ऑक्सीडेशन हम लोग पढ़े थे। ऑक्सीडेशन जिसको हम लोग हिंदी में कहता है क्या, उपचयन, उपचयन। और एक क्या पढ़े थे, रिडक्शन, रिडक्शन जिसको हिंदी में कहते हैं अपचयन, अपचयन, अपचयन। ये तो पढ़े हैं हम लोग। ठीक। अब देखो इसी वेस्ट से ही होंगे ऑक्सीडेशन नंबर। जब हमारा ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज, मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर को मैंने शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इंक्रीज होगा, इंक्रीज, इंक्रीजिंग। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज को ऑक्सीडेशन कहलाएगा। और ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग होगा तो क्या कहलाएगा, रिडक्शन। मतलब ऑक्सीकरण संख्या घट जाए तो रिडक्शन, ऑक्सीकरण संख्या बढ़ जाए तो ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन होने का मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन होने का मतलब वो क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। कौन सा हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट मतलब औपचायक पदार्थ। क्या होगा वो, औपचायक, औपचायक पदार्थ, औपचायक पदार्थ। ठीक। और रिडक्शन होने का मतलब वो क्या होगा, जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीकारक पदार्थ, ये ध्यान में रखिएगा, ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक पदार्थ, ऑक्सीकारक पदार्थ। दोबारा मैं कह दे रहा हूं, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ऑक्सीडेशन मतलब उपचयन कब होंगे, जब ऑक्सीकरण संख्या बढ़ जाए तब वो उपचयन, और जब ऑक्सीकरण संख्या घट जाए तो अपचयन। और कहीं पे अपचयन हो रहा है मतलब वो ऑक्सीकारक पदार्थ होगा, और जहां पे हमारा ऑक्सीकरण हो रहा है मतलब अपचायक हो रहा है तो ऑक्सीकरण। ठीक। अब देखिए इसी पे, इसी कॉन्सेप्ट को लगाते हुए इसमें आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे Fe2O3 प्लस 3CO2Fe प्लस CO, तो अपचायक पदार्थ ढूंढने के लिए कह रहा है ना, तो अपचायक पदार्थ हम ढूंढ पाएंगे कब, देखिए अपचायक पदार्थ कहाँ पे है मेरा, अपचायक पदार्थ तो हमको क्या देखना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन हो रहा है कहाँ से कहाँ तक। अपचायक पदार्थ ढूंढने के लिए आपको उपचयन हो रहा है कि नहीं देखना पड़ेगा। अपचायक पदार्थ ढूंढोगे, ढूंढ पाओगे तभी जब आपको पता चलेगा उपचयन जहाँ हो रहा है, तो इसमें उपचयन देखते हैं। और उपचयन मीन्स क्या होगा, ऑक्सीकरण संख्या बढ़ना, तो ऑक्सीकरण संख्या बढ़ना देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे Fe प्लस टू में Fe का कितना था, प्लस थ्री, और आयरन यहाँ पे फ्री में है तो मुक्त में है तो जीरो, तो तीन से जीरो मतलब घटा। यहाँ पे क्या नहीं हो रहा है, ऑक्सीकरण बढ़ नहीं रहा है मतलब ऑक्सीडेशन तो नहीं हो रहा है। इस पे आ जाओ, इस पे आ जाओगे तो ऑक्सीजन क्या होता है, माइनस टू, तो कार्बन क्या है, प्लस टू, ऑक्सीजन माइनस टू। ठीक। अब इसमें देख लेते हैं यहाँ पे कितना होगा, तो CO2 में कार्बन का देखते हैं कितना होगा, कार्बन नहीं पता तो X, ऑक्सीजन का माइनस टू होता है तो माइनस फोर इक्वल्स टू कितना, जीरो, तो X इक्वल्स टू कितना है, फोर, तो कार्बन का कितना है यहाँ पे, प्लस फोर। तो देखिए कार्बन प्लस टू से प्लस फोर हो रहा है, तो ऑक्सीकरण संख्या बढ़ा कि घटा, बढ़ा, तो ऑक्सीकरण संख्या बढ़ने का मतलब क्या है, वो क्या होता है, उपचयन, और उपचयन होने का मतलब औपचायक पदार्थ, तो औपचायक पदार्थ कौन होगा, CO, CO, यहाँ पे क्या लिखोगे, औपचायक पदार्थ कौन हो जाएगा तब हमारा, औपचायक पदार्थ, औपचायक पदार्थ होगा कौन, औपचायक पदार्थ होगा CO पहला में, समझ में आया। अब दूसरे पे आते हैं, चलिए इसको मिटा देता हूँ, थोड़ा सा अधिक हो जा रहा है ना, इसको राफ कर दे रहा हूँ, नोट शायद कर लीजिए जल्दी, या फिर वीडियो को बच करके कर लीजिएगा, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। अब देखिए इस पे आ जाते हैं, H2 प्लस O2, 2H2O बना। अब देखिए ये मुक्त में है तो कितना होगा, जीरो, O2 भी मुक्त में है तो कितना होगा, जीरो। अब यहाँ पे आ जाओ H2O में, इस पे ऑक्सीजन क्या होता है, माइनस टू, तो हाइड्रोजन यहाँ पे क्या होगा, प्लस टू। ठीक।
और हमको क्या है औपचायक पदार्थ। औपचायक पदार्थ मतलब क्या देखना पड़ेगा मेरे को, उपचयन। उपचयन कहाँ हो रहा है, उपचयन होने के लिए ऑक्सीकरण संख्या क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रहा है कहाँ पे देखते हैं, जीरो से क्या हुआ प्लस टू और यहाँ पे जीरो से माइनस टू, तो जीरो से प्लस टू बढ़ा तो इसमें क्या होगा एच टू जो है मेरा औपचायक पदार्थ हो जाएगा, औपचायक पदार्थ। ठीक, समझ में आ गया। तो अब तो औपचायक पदार्थ पहचानना तरीका आप लोग को क्लियर हो गया, इसको नोट कर लीजिए जल्दी, मैं मिटा रहा हूँ। ठीक, इसके बाद आ जाते हैं क्या है हमारा, किसको आइडेंटिफाई करना है, ऑक्सीकारक पदार्थ। तो देखिए ऑक्सीकारक पदार्थ कहाँ है, यहाँ पे ऑक्सीकारक पदार्थ क्या होगा, जिसका अपचयन होगा। अपचयन जहाँ पे होगा तो वहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीकारक पदार्थ है। और अपचयन होने का मतलब ऑक्सीकरण संख्या घटना, ऑक्सीकरण संख्या घट रहा है तो अपचयन, और अपचयन हो रहा है तो ऑक्सीकारक पदार्थ। ये कॉन्सेप्ट आप दिमाग में एकदम बैठाइए, फिर दोबारा कह दे रहा हूँ, ऑक्सीकरण संख्या घटने का मतलब अपचयन हो रहा है, और अपचयन होने का मतलब वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीकारक पदार्थ। ठीक है, तो वही चीज हमको देखना है, क्या देखना है, पहले अपचयन कहाँ से कहाँ हो रहा है। Mg मुक्त में है तो कितना होगा, जीरो। ऑक्सीजन भी मुक्त में है, जीरो। अब देखो MgO में Mg का हमको पता नहीं है ना, तो उसके लिए ऑक्सीजन क्या होता है, माइनस टू। तो ऑक्सीजन माइनस टू होंगे तो Mg प्लस टू, क्लियर। अब हमको रिडक्शन के लिए मतलब अपचयन के लिए ऑक्सीडेशन नंबर क्या देखना पड़ेगा, डिक्रीजिंग। तो डिक्रीजिंग कहाँ पे हो रहा है, जीरो से प्लस टू, ये तो इंक्रीज हो गया। जीरो से माइनस टू क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इसीलिए ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन को क्या कहलाएगा, ऑक्सीजन हमारा ऑक्सीकारक पदार्थ कहलाएगा, ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक पदार्थ कहलाएगा। ठीक, जिसको इंग्लिश में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। ठीक, अब दूसरे पे आ जाओ, इसको मिटा देता हूँ, दूसरे पे आ जाते हैं। ये तो आप लोग नोट कर लिए होंगे, दूसरे पे ऑक्सीकारक पदार्थ बताना है। तो ऑक्सीकारक पदार्थ के लिए अपचयन पहले देखना है हमको, अपचयन होने के लिए ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज देखना है। तो CuO में ये माइनस टू प्लस टू, ये अकेले है तो जीरो, Cu अकेले है तो जीरो। H2O में ये क्या हो जाएगा आपका, माइनस टू, ये प्लस वन, क्योंकि माइनस दो गो है। ठीक, अब देखो यहाँ पे प्लस टू से जीरो, प्लस टू से जीरो मतलब हमारा क्या है, ऑक्सीकरण संख्या क्या है, डिक्रीज। तो यहाँ पे प्लस टू से जीरो मतलब डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे CuO जो है, CuO को क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसको ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकारक संख्या। देखिए हिंदी हमको ढंग से लिखने नहीं आता, आप तो लिख लीजिए, स्पेलिंग के लिए माइंड मत कीजिएगा। ठीक है, ऑक्सीकारक संख्या। अब ये तो हो गया, तो इसके बाद तीसरा जो लास्ट है इसको करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझिएगा। देखिए हमको ऑक्सीकारक पदार्थ ढूंढना है, ऑक्सीकारक पदार्थ ढूंढने के लिए हमको क्या देखना पड़ेगा, अपचयन कहाँ हो रहा है, और अपचयन होने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीकरण संख्या घट रहा है देखना है। तो देखिए पहले Fe मुक्त में है जीरो, और यहाँ पे है तो ये कितने हो जाएगा, Fe3,4 में Fe का ऑक्सीकरण संख्या मैं निकाल रहा हूँ। देखिए इसका निकालना है पता नहीं है तो x लेंगे, तो कितने हो जाएंगे 3x। ऑक्सीजन कितना होता है, माइनस टू, चार वो है तो माइनस एट बराबर जीरो, क्योंकि इसके ऊपर ना तो प्लस चार्ज है ना तो माइनस चार्ज है। तो 3x इक्वल्स टू कितने हो जाएंगे, ये 3x 8, x इक्वल्स टू 8/3। ठीक है, Fe3 ऊपर, हाँ 8। और यहाँ पे देखिए ये कितना हो रहा है हमारा, चार और यहाँ पे देखिए H2O में ये हमारा प्लस वन, ऑक्सीजन माइनस टू, और यहाँ पे जीरो। हमको क्या देखना है, ऑक्सीकरण नंबर क्या है, डिक्रीजिंग। यहाँ पे तो देखिए जीरो से ये तो बढ़ रहा है, कहने का मतलब ये तो नहीं हुआ, यहाँ से ये जो है देखिए H2 प्लस था और यहाँ पे क्या हो गया, जीरो। तो कहने का मतलब हमारा H2O जो है क्या होगा, ऑक्सीकारक
ऑक्सीकारक पदार्थ, ऑक्सीकारक पदार्थ कहलाएगा। ठीक, अब उम्मीद करता हूं आज की लेक्चर में जो ऑक्सीकारक पदार्थ और अपचायक पदार्थ आप लोग को अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई करने समझ में आ गया। फिर भी आप लोग को कहीं डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, मैं उसको अगले लेक्चर में क्लियर कर दूंगा। मेरा लेक्चर आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, चैनल में पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।